सात दो चार सी चार पांच दस पंद्रह सात पंद्रह बीस 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 नहीं अच्छा बाबा आई एम फ्रॉम चाद मक्के में रहते हैं माशाल्लाह मक्का नहीं छोड़ा बहुत जुल्म देखे हैं नबी पाक पर बहुत जुल्म हुए थे बहुत जलाल है ये आपने मदीना ठंडा है मक्का गर्म अभी 6,000 कर दिया सुना सिग्नल तोड़ेंगे तो 6,000 की वॉच दिखाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग अभी निकले हैं शारे सिद्दीन से इंशाल्लाह जाएंगे जिद्दा अलग अली भाई के पास कुछ पैसे हमारे रह गए थे बस हम पैसे भी लेने हैं और चाचा आपका नाम क्या है शाहिद आप ऐसे 15-15 में जिद्दा चले जाओगे सही है क्या बात है वहाँ से शेयरिंग चलती है हम तो मशवरा सही देते हैं बिल्कुल यार कोई आदमी का भला हो जाए पता था लेकिन हमें डायरेक्ट मिल जाए नहीं डायरेक्ट भाई कोई भी जाएगा 150 से कम नहीं जाएगा आपको मैं बोल 1 बजे मैं उधर से आया जिद्दा से 10 बजे इधर से गया जा रहे हैं नफक के अंदर इसे कहते हैं नफक देखो लाल वाला चल रहा है वो देखो वो ये कैमरे लगे हुए हैं चालान कटवा देता है चालान कटवा देता है जो डब्बे के ऊपर जा रहा है उसको ऐसे पकड़ता है ये इशारा तोड़ने का 3,000 वाला अभी 6,000 कर दिया सुना है सिग्नल तोड़ेंगे तो 6,000 यार 6,000 36 साल उम्र गुजारी है बच्चे भी पैदा इधर हुए अभी बेटे से बात कर रहा था पापा हम आ रहे हैं इंशाल्लाह 15-20 दिन में मैं कह आ जाओ कोई बात नहीं सारा कुछ इधर है मक्के में रहते हैं माशाल्लाह मक्का नहीं छोड़ा बहुत जुल्म देखे हैं नबी पाक पर बहुत जुल्म हुए थे हिजरत की है ना हमने हिजरत नहीं की अपन हिजरत किया ना पाकिस्तान से इधर हाँ वो तो की है नहीं ये मक्का नहीं छोड़ा अच्छा मक्का में बहुत जुल्म देखे हमने हमने इधर इंसान को इंसान नहीं समझते आदमी ये बहुत जलाल है ये आपने मदीना ठंडा है मक्का गर्म ये कतार है रेलवे स्टेशन रेलगाड़ी का बुलेट ट्रेन वाला हाँ ये बुलेट ट्रेन का मक्का का स्टेशन है मक्का स्टेशन यहाँ से मदीना जिद्दा जाती है तो आपको अगर जिद्दा जाना हो तो सबसे बेहतरीन ये है कि आप शेयरिंग कैब्स में आ जाए पहले आप मक्का से जहाँ भी आप मक्का में हैं शारे सिद्दीन आ जाए टैक्सी वाला आपसे हार्डली 15 रियाल लेगा और फिर आप शारे सिद्दीन में आकर के पर पर्सन 20 रियाल 15 रियाल जैसा बार्गेन करें 15 रियाल में आपको बलद तक लेके चला जाए 55 ले लो चल दो हो गया 10-12 थोड़ा अभी हमारी भी सुन लो तुम्हारी अपनी आवाज थोड़ी मोहब्बत आप दिखाए हमने तो दिखा दी बाहर का नज़ारा बहुत खूबसूरत है आज माशाल्लाह यहाँ पे हर मक्का में तो हल्की हल्की बूंदा बूंद बारिश हुई थी यहाँ पर लेकिन काफ़ी हवा होने की वजह से धूल काफ़ी उड़ रही है इसलिए वेदर सामने से कुछ नज़र नहीं आ रहा है बहुत खूबसूरत मंजर ये टैक्सी वाले भाई साहब हमें बलद तक छोड़ेंगे 55 रियाल में और वहाँ से फिर हम चलेंगे अली भाई की शॉप पे जहाँ पे मेरे 300 रियाल छूट गए थे और वो कलेक्ट करेंगे अब्दुल्ला भाई ने 50 रियाल लिए इधर रखे अपना पर्स निकाले अपना पैसा हिसाब हुआ तुम्हारा हाथ में देखो वही चलना यार अरे को पैसा क्या ये 500 है दिया ये 50 है दिया ना ये 500 है ये 500 की नोट है 500 की 200 के 500 500 500 पक्का 500 की नोट है 500 100% 500 की नोट है ये अच्छा है मेरा है टेंशन नहीं 50 बराबर से ये 50 का नोट एकदम परफेक्ट है ये तो दिख भी नहीं रहा
नहीं तो नोट संभल में आएगी। ये 50 करोड़ का हाथ बराबर पर्स निकाले और मोबाइल निकाले हिसाब कर रहे हैं। हम बलद में आए और अली भाई की शॉप पर आकर के हमने जो पिछली बार इनको 500 रियाल और एक 50 रियाल का नोट दिया था और हमारे 300 रियाल लेना भूल गए थे, वो इन्होंने कैमरा रिकॉर्डिंग में चेक करने के बाद, वेरीफाई करने के बाद हमें अपने ऑनेस्टली वो 300 रियाल वापस कर दिए हमें। और जैसे मैंने जिद्दा बलद का पार्ट वन वीडियो बनाया था उसमें बताया था अली भाई की शॉप में नंबर ऑफ़ वेराइटीज़ के चॉकलेट्स और बेहतरीन क्वालिटी का ड्राई फ्रूट और खजूर अवेलेबल है। तो आप यहाँ पे ज़रूर आए बिकॉज़ ये रियली एक ऑनेस्ट पर्सन है और माशाल्लाह अल्लाह ताला इनकी कारोबार में खूब बरकत दे, क्योंकि ऐसे ईमानदारी से काम करना बहुत ज़रूरी है माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह हम आए अल-फजर में और माशाल्लाह अल-फजर ब्रांड वीडियो का सबसे बेहतरीन ब्रांड है ये अल-फजर माशाल्लाह। और हमारे वाजिद भाई को पसंद जो आई है वो ये घड़ी, तो लेट्स सी देखते हैं। ये वाजिद भाई ये देख रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ये सेकंड वन कौन सा है? सिल्वर, सिल्वर एंड गोल्ड, सदीक सदीक सिल्वर एंड गोल्ड, तो कलर टू कलर्स, देखते हैं अभी कौन से इसमें चॉइस करते हैं। ठीक है इंशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छा कलेक्शन है ये अल-फजर का, पूरी दुनिया का सबसे फेमस कलेक्शन अल-फजर। और वाजिद भाई जो लिए वो ये, मैं एट द ब्लिंक दिखाऊंगा इंशाल्लाह माशाल्लाह। अभी भाई ने देखो ये दो घड़ियाँ ले ली, एक बड़ी वाली ये वाली है अपनी और ये वाली छोटी वाली लिए, उसका ये रहा बिल। ओहो 1480 बिल हुआ वाजिद भाई का। और मैंने लिया है ऑफिस के लिए ये वाली वॉच अल्हम्दुलिल्लाह अल-फजर फाइनली। और मेरी घड़ी का जो हुआ था ना 190 का बिल हुआ माशाल्लाह। योर नेम ब्रदर? अहमद इशान माशाल्लाह। उद अल हिंद में हम जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह और माशाल्लाह इनके पास जो कलेक्शन है ऑसम, बहुत बेहतरीन कलेक्शन है इनके पास अल्हम्दुलिल्लाह। जो हमने देखा है वो हमें जो पसंद आया है वो है अल्हम्दुलिल्लाह क्वार्ट्ज है और रोज़ वैनिला, रोज़ वैनिला जो है ना बहुत खूबसूरत। और ये हमारे भाई माशाल्लाह केरला से हमें मिले अल्हम्दुलिल्लाह। भाई आपका नाम? नौशाद भाई माशाल्लाह। और नौशाद भाई ने हमारी बहन वो पूरा उर्दू सिखा दिया अल्हम्दुलिल्लाह, वो अभी नीचे है थोड़ा मॉडल्स निकाल रहे हैं। तो काफ़ी अच्छा कलेक्शन है इनके पास अल्हम्दुलिल्लाह। आपको दिखाना चाहता हूँ ये अरबी क्लोथिंग माशाल्लाह, देखिए पूरा तलवार के साथ में माशाल्लाह। और ये है अवेलेबल जजाकल्ला शुक्रिया। हमने ये पीछे जो देखा जी शॉप कैसी हो वहाँ से हमने अल-फजर की घड़ियाँ ली और कुछ परफ्यूम जरूरत कर लिए अल्हम्दुलिल्लाह। ये अंदर निकालो भाई, बड़ी मार्केट है माशाल्लाह, देखो कितनी बड़ी मार्केट है माशाल्लाह। चलो भाई किधर जाना है सोल भाई? हाँ मतलब मक्का जाना है। मतलब मक्का क्या करेंगे वहाँ जाके? वहाँ जाके मटन कढ़ाई खाएंगे। अपने गाइस को ओमेगा की 25 लाख की वॉच दिखाते हैं। ओमेगा की 25 लाख की वॉच किधर है? जस्ट This shop. चलो ठीक है ये भी देख लेते तुम्हारी 25 लाख की घड़ी। मजाक नहीं कर रहा तुमको माशाल्लाह। किधर है अपना कारोबार चल पड़ा ना भाई तुम्हारे को ये ऑटोमेटिक मैं गिफ्ट करूंगा इंशाल्लाह। अरे मैं तुमको क्या क्या गिफ्ट करूंगा तुम पागल हो जाओगे इंशाल्लाह। नहीं मैं मेरे को पागल नहीं बनेगा भाई। नहीं तो सोहेल भाई जैसे डरेंगे मेरे को। ये खाली छोटी सी 23,280 रियाल की है, गोल्ड की रही है ना। तो फाइनली जिद्दा में हमें क्या मिला? मुंबई की जान, मुंबई की जान। तो चलिए खाते हैं वड़ा पाव। मुंह पे पूरा परफ्यूम लग गया, कड़वा लग रहा है।
वाजिद भाई के मुंह पे परफ्यूम लग गया। वाजिद भाई क्या बोल रहे हैं मुंह पे, और ऊपर से मैं टोपी नहीं लाया, वो टकला दिख रहा हूँ और गंदा दिख रहा वीडियो में। गंदा तो नहीं लग रहा, काटूंगा तो बिल्कुल नहीं। सर आप कहाँ से? इंडिया, केरला। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत खुशी होती। हम मुंबई से। अच्छा जी जी जी। आप कितने साल से सर यहाँ पे? बहुत साल हो गए, 28 इयर्स। माशाल्लाह खुश नसीब है आप। फेमस वाला जो है ना मत्ता मक्का, उधर जाना। हाँ 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 हाँ। तो हम लोग मत्ता मक्का जा रहे हैं, ये हमारे सोहेल भाई की एक स्पेशल रिक्वेस्ट है। जैसे मैंने टैक्सी में बताया था मत्ता मक्का चलेंगे, और अल्हम्दुलिल्लाह हम मत्ता मक्का पहुंच गए। हमारे दोस्त कहिए, कुछ कहिए, और सर खेरे थे जजाक। मक्का में अंदर आ चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत खूबसूरत जैसे इन्होंने बताया। अल्हम्दुलिल्लाह या अल्लाह 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 शुक्र। हाँ ये भाई साहब हमारे, आपका नाम भाई? मेनू। ये है इनका मेनू अल्हम्दुलिल्लाह। क्या ऑर्डर किए? मटन कढ़ाई किया हो और चिकन बोटी किया हो, चार पीस में। अच्छा है, यहाँ का फेमस चीज़ है दोनों। अच्छा पाकिस्तानी चटनी मिलेगी ना? आएगी आएगी, पक्का आएगी चटनी मिलेगी ना? मिलेगा। बाजी भाई आप कुछ कह रहे थे ना? थे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा सेटअप है ये पूरा। वाजिद भाई ने मेरा शॉपिंग से पूरा टेबल भर दिया है माशाल्लाह। ये पूरा वाजिद भाई लिए माशाल्लाह। बिस्किट नान, और ये मेरी फेवरेट चटनी, और माशाल्लाह चलो 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 अल्हम्दुलिल्लाह स्वाद आ गया माशाल्लाह। यही माशाल्लाह हमारी मटन बोटी, कढ़ाई और ये नान। ये भागम भाग चल रहे, देखो ये देखो ये देखो, ये है हमारा विलन जो सबको पकड़ पकड़ के लाता है यहाँ पे। हाँ जो मैंने इन्फॉर्मेशन दिया था वो थोड़ी सी गलत थी, यहाँ से 10 रियाल में जा सकते हैं आप, 10 रियाल में बस। लेकिन आपको थोड़ा सफ़र रखना पड़ेगा क्योंकि ये लोग पकड़ पकड़ के अपनी टैक्सी में पकड़ती है बकरे की तरह। तो आइए बाप मक्का, जल्दी 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 चलेगा भाई। हां हमसे देखी गया है बाप, और कम नफर बाकी। सच्ची बोलता, कम नफर बाकी आगे सारा दस सात बाबा। See, listen. Oh Allah, the Almighty, Allahu Allah, protect me. Come, 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 come
बकरा पकड़ पकड़ के ला रहे, भर 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 रहे कुत्ते उड़ा कर देंगे, बकरा बीमार हो जाएगा ये वाला। How are you, bro? Brown? India. India, Kerala? No. Mumbai. I like Kerala. I have more friends for Kerala. Oh, Malayalam. MashaAllah. He's Dodger, businessman. Oh, and you are from? I'm from Chad. Yeah? From Chad. My name is Ibrahim. Okay. I'm a woman. I'm born here. Now, alhamdulillah, I go to Makkah. MashaAllah. I have got friends with me. MashaAllah. माशाल्लाह मसूरात है, इसलिए मैं शूट नहीं कर रहा हूँ। फाइनली हमारी गाड़ी बन चुकी है और हम जा रहे हैं मक्का। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत प्यारा सा बच्चा माशाल्लाह हमारे साथ में है इस सफर में। अल्हम्दुलिल्लाह तो इंशाल्लाह ये सफर शुरू हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह देखते हैं आगे क्या होता है। हमारा सफर शुरू हो चुका है। आप जो बोर्ड देख रहे हैं ये बोर्ड के बाद रास्ते बनाए जाएंगे। यहाँ से गैर मुस्लिम को अपना रास्ता अलग करना होगा, सिर्फ मुस्लिम ही मक्का के दाखिल हो सकते हैं। ये दो रास्ते हैं जहाँ पर गैर मुस्लिम अपना रास्ता बनाएगा। अफ्रीकन सेंट्री सेंटर शुबाइका, इस जगह को कहते हैं दारुल तौहीद की तरफ का सेंटर, यानी दारुल तौहीद की तरफ से आपको टैक्सियाँ मिलती है। अस्सलाम वालेकुम। यस इंशाल्लाह इंशाल्लाह वी मेट डेफिनेटली। व्हाट्स योर नेम? अब्दुल्ला। अब्दुल्ला माय ब्रदर इंशाल्लाह। इंशाल्लाह सेम है। वाजिद अब्दुल्ला वाजिद सुहेल माशाल्लाह। माय नेम इज इब्राहिम। आई टेल यू इब्राहिम इंशाल्लाह रिमेंबर इन दुआ फॉर द जापानीज। अल्हम्दुलिल्लाह ये आप मिले हमारे दोस्त से इब्राहिम से जो हमें टैक्सी में मिले थे। माशाल्लाह बहुत सारी गुफ्तगू की उन्होंने, बहुत अच्छा इंसान था माशाल्लाह। ये है जबले उमर का एरिया, मौकफ उमर। हाँ थैली यही है, खुलने की आदत है मेरे को। यहाँ से आप देखेंगे ना, ये जो है दारुल तौहीद का बस स्टेशन था पहले। अब यहाँ पे सारी टैक्सियाँ रुकती है जो जिद्दा से आती है। माशाल्लाह ये जो बस स्टैंड था पहले, जो मस्जिद आयशा के लिए यहाँ से बसेस जाती थी पहले, तो अभी यहाँ पे बड़ी बड़ी टावर्स बड़ी बड़ी बिल्डिंगें तैयार हो। ये वाला हम जिद्दा बदल से मक्का शरीफ आ चुके हैं और हरम शरीफ में दाखिल हो रहे हैं। इसके पहले जैसे मैंने जिद्दा बदल की वीडियो शेयर किया हूँ, वो वीडियोस को भी देखे और पूरी सीरीज़ को देखे। सारे वीडियोस जो मैंने अपने चैनल पे अपलोड किया हूँ उसको भी देखे और खूब लाइक करें, शेयर करें अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ में, दोस्तों के साथ में, और अपने सजेशंस कमेंट्स में पेश करें। इसी के साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जज़ाकअल्लाह बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आप सभी को उमराह की सआदत नसीब अता फरमाए, हज करवाए, अल्लाह ताला अपने घर की ज़ियारत बार बार नसीब अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। जज़ाकअल्लाह खैर, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।